पैदावार बढ़ाने के हमारे पास अलग अलग तरीकों से हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं। एक तो सॉइल फर्टिलिटी से, वाटर कंजर्वेशन, उसका उपयोग करने के तरीके। तो वो उपयोग करने के तरीकों में एक तरीका हमने देखा कि अगर हमारे ज़मीनों में ढाल है तो उसमें अगर कंट्रोल प्रणाली को उपयोग में लिया जाए तो हमें किसी भी प्रकार के प्लास्टिक का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। हम कोई भी चीज़ का अगर इस्तेमाल करते हैं, हर एक में आजकल प्लास्टिक जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने फिर क्या किया है, ये कंट्रोल प्रणाली को विकसित किया है। ये कंट्रोल प्रणाली में होता है कि इस तरह के दो स्टंप होते हैं। अब ये दो स्टंप हम लोगों ने इसको थोड़ा सा और इनोवेशन करके इसको नए तकनीक से बनाया है। पहले हम लकड़े के बनाते थे, अब लकड़े के न बनाते हुए हमने इसको एक लोखंड का ये दे दिया सीधा। नीचे ये लकड़े का स्टैंड है, ये स्टैंड में एक पट्टी लगा दी और उसमें नट बोल्ट से उसको पट्टी को फिट कर दिया ताकि वो स्टैंड रहे बना हुआ। अब ये स्टैंड बना हुआ है, इसको हमने इसके साथ सेट कर दिया उस स्टैंड को, तो वो खड़े रहेगा। अब इसको फिर हमने क्या किया, एक फिट की, सिर्फ एक फिट की टेप लगा दी। नए तकनीक में ये एक फिट की टेप है, जूने तकनीक में हम पूरी 5 फिट की लगाते थे, लेकिन नई तकनीक में 1 फिट की ये टेप लगा दी। अब ये टेप को ही पैरेलल फिर ये वाटर पाइप लगा दिया। अब ये वाटर पाइप लगा दिया तो इससे हम पूरी लेवल निकालते हैं। इस तरह से एक आदमी एक छोर पे होता है, दूसरा आदमी दूसरे छोर पे है, इससे फिर कंट्रोल लाइन निकाली जाती है और उसको पैरेलल फिर हम उसके बेड बनाते हैं। इस तरह से एक तो ये तकनीक होगी कि हम लोखंड के औजार के साथ इसको बनाए हैं। ये थोड़ा वजन में ज़्यादा होता है, लेकिन इसको अगर पाइप को हम हल्का ले तो हल्का भी हो जाएगा। इस तरह से ये लोखंड का। दूसरा, हम इसमें फिर लेवल निकालना है तो उसके पहले पानी भरते, तो पानी भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब वो पाइप का एक छोर उसमें डुबा दिया और दूसरे छोर को नीचे कर देते हैं तो वो कैन में का पानी अब आना चालू हो जाएगा। अब वो पानी खींच रहा है, इस तरह से इसमें पानी भरा जाता है। अभी ये पानी भरना चालू है इसका, अब ये उधर से ये पानी आ रहा है, इधर से निकल रहा है। अब इधर से निकलना चालू हो गया, इसका मतलब ये पाइप अब पूरा भर चुका है। अब ये पाइप भर गया तो इसमें कहीं देख लेते हैं कहीं एयर वगैरह तो नहीं है, एयर रही तो भी हमारा फिर लेवल का मिस्टेक होता है। अब एयर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसको खड़े कर देंगे। अब ये पाइप ये तैयार हो गया कंट्रोल लाइन बनाने के लिए। अब इससे फिर हम कंट्रोल लाइन बनाते हैं। तो एक तो ये इंस्ट्रूमेंट बनाने का एक ये तरीका है हमारा कि हमने 1 फिट की पट्टी को इसमें नट बोल्ट से टाइट करके, आगे पीछे से नट बोल्ट है और ये नट बोल्ट में इसमें हमने 1 फिट की पट्टी टाइट कर दी है, इससे अब हम कंट्रोल लाइन निकालते हैं। तो इसका लाभ क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन सिर्फ इसका इस्तेमाल करने से ढाल वाली ज़मीन में 2 टाइम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो अक्टूबर से लेके तो इसको मार्च अप्रैल तक हम इस्तेमाल करते हैं ये तकनीक को। अब मार्च अप्रैल तक इस्तेमाल करते हैं, बारिश में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम लोग अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक की जितनी भी पैदावार लेंगे टोटली पैदावार ये कंट्रोल बेस पे होगी। इस तरह से हम लोग अपनी पैदावार को ये तकनीक से बढ़ा दिए है। अब इसका दूसरा हमारा बनाने का तरीका क्या, दूसरा हम बना रहे हैं इसको, देखिए ये है लकड़े का, इसको सागौन की लकड़ी ली हमने, सागौन की लकड़ी में ये इसमें इसको सेट कर दिया, इसमें फिट कर दिया, यहाँ पे पट्टी आएगी। ये जब पूरा बन जाएगा या बनाते वक्त हम इसका आपको बताएंगे कि कैसा होता है। अब इसमें एक पट्टी यहाँ से ऐसा जोड़ देंगे ताकि और मजबूत हो जाए, एक लोखंड की पट्टी यहाँ पे ऐसे ऐसा जोड़ देंगे। फिर बाद में इसको एक पूरी टेप आती है पैरेलल 5 फुट की और उसको पैरेलल फिर पाइप जोड़ा जाता है। तो एक तो तरीका यह है, ये ज़्यादा सुधार के बनाया हुआ है कि इसमें हमको लकड़े की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, इसमें लकड़ा लगता है तो भविष्य में हमें पेड़ तो काटने नहीं है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा इस किया कि लोखंड से बनाया जा सकता है क्या इसको। तो अभी लोखंड का भी बड़ा सुंदर बन गया है वो। इस तरह से एक तरीका यह है कि लकड़े का हम भी बना सकते हैं, लोखंड का भी हम बना सकते हैं इसको। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जैसा मैंने अभी आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया, वो इंस्ट्रूमेंट से हम लोगों ने एक कंट्रोल लाइन ये पहले निकाली थी और फिर इसको पैरेलल एक 2.5 फीट के ऊपर मार्किंग करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट से इस पर लाइनिंग बना दी। तो अब जैसे ये कंट्रोल लाइन बन गई, इसको पैरेलल फिर ये 2.5 फीट पे, फिर वो 2.5 फीट पे, फिर वो 2.5 फीट पे, ऐसे ये कंटिन्यू इसकी लाइनिंग बनते चले गई। अब हमें टमाटर लगाना है तो हमने 1 टाइम हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया है टमाटर में।
5-5 फीट के ऊपर वो टमाटर लगाते हैं और दोनों साइड लगाते हैं, बीच में हम मेथी की फसल ले लेते हैं इस तरह से। अभी इसके ऊपर फिर वो हर 5-5 फीट के ऊपर वो नालियां बनाएगा। अब वो नालियां इस तरह से बन रही है, अभी आप देख रहे हो बैलों से चला रहा है तो एक को छोड़ देता है और दूसरे पे लगाता है, तो 5-5 फीट के ऊपर वो नाली बनती है इस तरह से। अब ये पूरी कंट्रोल पे है तो जीरो लेवल है। जीरो लेवल रहने से पानी यूनिफॉर्म मिलेगा, पानी यूनिफॉर्म मिलेगा तो क्रॉप यूनिफॉर्म होएगा। अभी ये जमीन में करीब 100 फीट में 1.5 फीट का ढाल है। अब ये इतने बड़े ढाल में पानी एक तरह साइड भाग जाएगा अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो। तो अभी हमारे जमीन लेवल नहीं है तो वो कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट से हमने लेवल निकाल के इस तरह से ये पूरी जीरो लेवल की नालियां बन रही है, तो इससे हमारी टमाटर की पैदावार भी बढ़ जाती है। अब वो फिर 5 फुट पे उसने लगा दिया, वो फिर चल रहा है। ये सारा काम हमारा पूरा बैलों से ही होता है। ये नालियां बन रही है, ये नाली में दोनों तरफ टमाटर लगेंगे 9-9 इंच के ऊपर, और बीच का जो स्पेस है इसमें मेथी की फसल आएगी। अभी हम लोगों ने वहाँ टमाटर कौन से सिस्टम से लगाएंगे हम कंट्रोल के ऊपर ये देखा। अब वो उसमें कंट्रोल लाइन बनाई कैसे हम लोगों ने वो यहाँ पे हम दिखाएंगे। यहाँ पे धनिया की बुआई होगी, धनिया का अलग सिस्टम है, उसमें हम ब्रॉड नाली बनाते हैं और उसके अंदर फिर धनिया लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे आज कंट्रोल लाइन बनेगी और फिर उसके बाद में उसकी क्यारियाँ बनेगी। तो अभी हम लोग कंट्रोल लाइन बनाते समय एक बात ये ध्यान रखते हैं, सबसे उसका लोएस्ट पॉइंट वो है नीचे का, वो लोएस्ट पॉइंट छोड़ना है हमें, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट वो ऊपर वाला है वो हाईएस्ट पॉइंट छोड़ना है। वो छोड़ के कहीं भी 20-30 फीट दूरी से चाहे नीचे से भी ले सकते हैं चाहे ऊपर से भी ले सकते हैं। इस तरह से लोएस्ट और हाईएस्ट ये दो पॉइंट छोड़ के कंट्रोल लाइन निकाली जाती है, तब वो जीरो लेवल उसकी बनती है। इस तरह से अब हम उसका जो सबसे ऊंचाई वाला भाग है उधर से चालू करेंगे, लेकिन वो ऊंचाई वाला भाग छोड़ देंगे, उसके थोड़ा 30-40 फीट नीचे आके वहाँ से कंट्रोल लाइन बनाएंगे। कंट्रोल लाइन बनाते समय हम कैसा सिस्टम यहाँ पे फॉलो करते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। अभी हम लोगों ने वो हाईएस्ट पॉइंट छोड़ दिया, उससे करीब 30-40 फीट नीचे आ गए हम। अब वहाँ से हम ये कंट्रोल लाइन बनाएंगे, ये कंट्रोल लाइन को ही पैरेलल फिर कल बोर्ड बनेंगे, तो पूरे एक एकड़ में करीबन 3-4 लाइन ये बनेगी। अब मैं ये इसमें पानी लेवल से ज़्यादा है तो मैं पानी थोड़ा नीचे गिरा देता हूँ। अब ये पानी थोड़ा नीचे गिरा दिया मैंने, अब ये मेरे नज़रों के सामने पानी आ गया है। अब ये मेरा पानी इस पे आ गया है, मैं उसको पूछूंगा कितना है, तो मुझे इधर से उधर स्लोप देना है, स्लोप देना है तो वो 1-2 पॉइंट ऊंचा आएगा इस तरह से। अब मैं इसकी लेवल निकाल रहा हूँ, कितनी रे बेटा? 7.5। अभी वो 7.5 बता रहा है और मैं 7 के नीचे 6.5 पे हूँ, तो इतना नहीं मुझे 0.250 का ग्रेड देना है। तो ये जो इंचे उसकी जो लाइन है उससे 3-4 लाइन वो सिर्फ मेरे से ऊंचा रहेगा ताकि वो 2.250 का ग्रेड बनेगा। अब मैं वो बहुत नीचे है, मैं काफ़ी ऊंचा हूँ तो मुझे अब नीचे जाना होगा। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ मुझे लेवल मिलेगी उसकी। हाँ,
एक खाली है। पता अता अभी वो 6.5 फीट के नीचे एक लाइन बता रहा है, तो ये जीरो लेवल है। अभी मुझे जीरो लेवल नहीं चाहिए, ये 6.5 फीट के नीचे एक लाइन बता रहा है, मैं उसके थोड़ा नीचे हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कम से कम 4 लाइन नीचे लेना पड़ेगा, तब वो 2.250 का ग्रेड बनेगा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा ऊंचा चढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा लेवल मिल गया है, वो 6.5 के ऊपर एक लाइन है, मेरा यहाँ 4 लाइन नीचे है, तो ये अब 0.250 का ग्रेड मिल चुका है। तो 0.200 से लेके तो 300 तक जहाँ भी इसकी लेवल मिलती है वहाँ हम लोग इसको फिर लेवल पाइप सीधा कर देते हैं। अब ये लेवल पाइप, ये लेवल मिल गई, अब ये पाइप खींचेगा उधर, और इसमें कोई चूना का इस्तेमाल नहीं है, कुछ नहीं, ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इससे एक मार्किंग बनेगी, वो मार्किंग से ही फिर पैरेलल बाद में बेड बनते हैं। अब ये इससे ये खींचते हुए चले जाएगा, और अब ये खींचते हुए जा रहा है, अब ये खींच दिया उसने, वो अब वो आदमी ये पॉइंट पे आएगा, मैं आगे फिर लेवल मिला लूंगा। इस तरह से हर 25-30 फीट के ऊपर उसकी लेवल मिलाते हुए चलते हैं हम लोग। अब वो आगे आएगा और मैं इधर लेवल मिलाऊंगा, और अब देखिए ये यहाँ से 0.5 इंच उसकी ढाल ज़्यादा है। अब ये वो 6.5 कह रहा है, मेरा 6 है, मुझे इतना नहीं, मुझे सिर्फ 2.0 का ग्रेड देने के लिए, 0.250 का ग्रेड देने के लिए मुझे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब देखिए अब यहाँ पे मेरी लेवल मिल गई, वो बोल रहा है कि 6.5, ये 6.5 के नीचे 2 लाइन है और मैं 2 लाइन नीचे हूँ, यानी मैं नीचे हूँ वो ऊपर है, इसका मतलब ढाल इधर से उधर है जो मुझे देना है।
तो अब ये कंट्रोल लाइन मिल गई है इसके, इसका लेवल मिल गया, फिर ये इसको खींच लेगा। तो पहला वो खींचा, फिर दोबारा ये खींचा, अब वो फिर आग में ये पॉइंट पे आएगा और मैं आके जाके उसकी लेवल और मिलाऊंगा आगे जाके। तो उठ लूंगी तो वायर मेरे को इधर से दिखेगा नहीं, क्यों यहाँ रहा तो कहाँ से यहीं पे रहा तो मैं तो दोनों नहीं आएंगे ना फ्रेम में। हाँ नहीं आए ना, एक के लेने का दूसरी लेने की। उधर अगर रहा तो दोनों आ जाएगा। हाँ उधर रहा तो दोनों आ जाएगा। हाँ ठीक। हाँ कितनी खालते दोन ले। देखिए अब यहाँ पे हमारी लेवल मिल चुकी है और फिर अब वो फिर खींच लेगा। तो यहाँ से ठीक अंदाज से, कोई मोजने की जरूरत नहीं है, 30 से 40 फीट दूरी पे हम दूसरी कंट्रोल लाइन बनाएंगे, उसको फिर पैरेलल बेड बनाएंगे। तो बेड बनाते समय हम लोग ये लाइन से आधे दूर तक जाते हैं, वो लाइन से आधे दूर तक आते हैं। पूरे दुनिया में जमीन का शास्त्र ये है कि 25 फीट तक हर जमीन का लेवल एक टाइप का होता है, बाद में चेंज होते जाता है वो, इसीलिए हम लोग उसको आधे आधे में लेते हैं। चल खाली अभी तक हमने क्या किया, मैं उधर से इधर आए हम लोग, अब इधर से उधर जा रहे हैं, तो मुझे अब 2 पॉइंट ऊंचा चलना है और वो 2 पॉइंट नीचे रहेगा, ताकि वो उसकी भी ढाल 2 पॉइंट ऊंची थी तो इधर की अब ये भी 2 पॉइंट ऊंची चलना पड़ेगा, तो मुझे अब 2 पॉइंट ऊंचा लेके चलना पड़ेगा, उसमें 0.250 का ऊंचाई लेके चलना पड़ेगा ग्रेड की। तो अब मैं उस हिसाब से ये लेके चल रहा हूँ लेवल। हाँ अभी वो 7.5 बता रहा है, तो इतने दूरी में देखिए आप कम से कम 2 इंच का डिफरेंस है, वो 7.5 है ना, इधर से उधर ढाल बता रहा है, अब उधर से इधर ढाल जानी चाहिए तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तब मेरी लेवल मिलेगी। मैं नीचे हूँ तो नीचे जाना पड़ेगा, सिंपल शास्त्र ये है, अगर आप नीचे हैं तो नीचे जाइए, ऊँचे हैं तो ऊँचे जाइए, तो लेवल जल्दी मिलेगी। हाँ कितने 7.5
थोड़ा सा अभी हम जीरो लेवल पे हैं, मुझे थोड़ा ऊंचे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब यहाँ पे हमारी लेवल मिल गई है, ये 0.300 का ग्रेड मिल गया है यहाँ पे, तो 200 से 300 तक जहाँ भी मिलती है लाइन वहाँ कंट्रोल लाइन खींच ली जाती है, क्योंकि बहुत माइनस होता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता ज़्यादा। अब ये हमारी दूसरी लाइन बन रही है कंट्रोल लाइन, तो पूरा कंट्रोल निकालने के लिए करीब 1 घंटे का 1 एकड़ में समय लगता है, लेकिन 1 घंटे की ये तकनीक का इस्तेमाल करने से मेरी ढाल की ज़मीन में मेरी पैदावार दुगनी हो जाती है। इस तरह से ये अगर मुझे 1 घंटे की मेहनत में मेरी उपज अगर दुगनी हो रही है और पानी यूनिफॉर्म मिल रहा है, तो पानी भी कम लगता है, उपज भी बढ़ जाती है। इस तरह से दोनों लाभ इसके मिलते हैं कंट्रोल इसके। हाँ कितने? अभी वो यहाँ भी हमारी 2.250 का यहाँ ग्रेड मिल चुका है, अब वो फिर से खींच लेगा और फिर उसको वो कंट्रोल मार्किंग कर देगा। अब ये इसको बोलते हैं कंट्रोल मार्किंग, तो वो टूटा हुआ पावड़ा उसका इस्तेमाल किया हमने, उससे मार्किंग लाइन बनती है। देखो अब वो आदमी फिर यहाँ आ जाएगा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा लो कॉस्ट सिस्टम क्या है। हमारे यहाँ टूटे हुए पावड़े को ही हमने इसको डांडा जोड़ दिया है, इस तरह से इसको यूज में ला लिया, तो आज ये पैदावार दुगनी करने में टूटा हुआ इंस्ट्रूमेंट काम आ रहा है, इसको कहते हैं लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। तो अब ये है पूरी टेक्नोलॉजी, तो हमको ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो सृष्टि पूरक हो। अब ये कंट्रोल बना रहा है, पैदावार बढ़ रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, पानी भी बच रहा है, पैदावार भी दुगनी हो रही है और संसाधनों का भी कम से कम इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से इसी के द्वारा हम कंट्रोल ये मार्किंग लाइन बनाते हैं। हाँ हाँ अभी एक कंट्रोल लाइन हमने पहले वहाँ बनाई, अब ये दूसरी कंट्रोल लाइन बन गई है, अब ये पूरी काम हो गई है, यानी ये 2 कंट्रोल लाइन। इस तरह से पूरे प्लाट में 4 कंट्रोल लाइन बनेगी और इसको पैरेलल फिर बेड बनेंगे। ये दूसरी लाइन बनी, वैसे अब तीसरी लाइन 40 से 50 फीट पे, फिर 40 से 50 फीट पे तीसरी लाइन, ऐसे पूरा 4 कंट्रोल लाइन में ये पूरा खेत कवर्ड हो जाएगा और फिर उसको पैरेलल बेड बन के यहाँ पे क्रॉप की सोइंग होगी। तो वहाँ हमने टमाटर लगाया, यहाँ धनिया, कल उसके बेड कैसे बनते हैं वो हम सब देखेंगे।